स्टूडेंट, आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर से गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर में यूनिट थर्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, यानी कि व्यक्तिगत और समूह के लिए मार्गदर्शन और परामर्श पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें हम लोग समूह निर्देशन पर पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कशन किया, जिसके अंतर्गत उसके कॉन्सेप्ट पे, उस उद्देश्य से महत्व पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। और यूनिट वन के अंतर्गत व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल गाइडेंस, और या फिर उसको हम इंडिविजुअल भी कह सकते हैं, इंडिविजुअल गाइडेंस पर हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कशन कर चुके थे, जिसमें हमने उसके उद्देश्य और कॉन्सेप्ट स्कूल लेवल पे उसके क्या वैल्यूज़ हैं, उन सारी चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो आज हम इसको तुलनात्मक रूप से देखते हैं कि व्यक्तिगत गाइडेंस और समूह गाइडेंस को क्या उनमें संबंध है, या उनमें क्या सिमिलरिटीज है, साथ ही उसमें क्या विभिन्नताएं हैं, डिफरेंसेस हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इनकी समानताएं क्या हैं। तो दोनों तो समूह परामर्श और व्यक्तिगत परामर्श दोनों के ही उद्देश्य समान हैं, और दोनों में ही काउंसलर जो है वह काउंसलिंग करता है, यानी कि उपबोध में स्वयं को पहचानने व स्वयं को समझने की क्षमता का विकास करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है कि दोनों में परामर्श हेतु बहुत सारे तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो व्यक्तिगत परामर्श हो या फिर समूह परामर्श, दोनों के लिए विभिन्न तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि समूह के लिए सेमिनार हो, वर्कशॉप हो, फिर क्वेश्चनर देके उनका फीडबैक लिया जाए, इस तरह का बहुत सारा प्रोग्राम किया जाता है। वहीं व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जाता है, उनसे उनकी समस्याओं पे चर्चा की जाती है, परीक्षण लिया जाता है व्यक्तिगत रूप से, ताकि उनकी समस्याओं, उनकी रुचियों को जाना जा सके। अतः दोनों ही गाइडेंस में या परामर्श में तकनीक का प्रयोग किया जाता है, और दोनों में गोपनीयता बनाए रखने की भी नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो ग्रुप गाइडेंस हो या फिर व्यक्तिगत निर्देशन हो, दोनों ही में व्यक्ति के इंफॉर्मेशन को लिया जाता है, ताकि उनको इंफॉर्मेशन गाइडेंस का प्रोग्राम उसके बेस पे उनको दिया जाए। तो फिर इंफॉर्मेशन अगर व्यक्ति का पर्सनली ये होता है कि वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो किसी और से शेयर नहीं करना चाहता है, इस स्थिति में काउंसलर या फिर डायरेक्टर का लिए आवश्यक होता है कि वो प्रत्येक व्यक्ति का जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा रिकॉर्ड्स है, उनको गोपनीय बनाए रखें। तो दोनों प्रकार के परामर्श में उपबोधक को सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करना आवश्यक है। तो एक काउंसलर जो कि काउंसलिंग करता है, उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि वो एक काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट तैयार करें, जिसमें जो बुद्ध हैं या जिनको यानी कि जिनको परामर्श की आवश्यकता है, वो व्यक्ति अपने आप को काफ़ी एडजस्ट करते हुए अपने आप को उसमें काफ़ी सामान्य महसूस करे और अपनी समस्याओं पर चर्चा कर पाए। साथ ही दोनों ही माध्यम के परामर्श में परामर्श प्राप्त करने वाले व्यक्ति सामान्य है, जो तनाव, मायूसी, कुंठा, उत्तेजना या अन्य विकासपरक समस्याओं के संबंध से संबंध की चेष्टा कर रहे हैं।
तो जब परामर्श की जरूरत या तो फिर कोई समस्याग्रस्त व्यक्ति हो या फिर उनको जॉब से लिया हुआ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, तो ये दोनों ही माध्यमों में होता है कि व्यक्तिगत रूप से भी व्यक्ति अपने विकास के लिए किसी से एजुकेशन के बारे में हो या फिर वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हो डिस्कशन करता है, या और वो समूह में भी इस चीज़ पे चर्चा होती है। तो दोनों ही माध्यमों में इन विभिन्न समस्याओं पर चर्चा होती है जो कि व्यक्ति के स्वयं के विकास को आगे बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो हमने अभी इसके समानताएं को देखा और अब हम आगे इसकी विभिन्नताओं पर डिस्कशन करते हैं। इसके डिफरेंसेस के अंतर्गत पहला डिफरेंसेस है कि व्यक्तिगत परामर्श मुखाभिमुख संबंध को दर्शाता है जिसमें बोधक केवल एक उपबोधी के साथ आमने सामने बैठ के परामर्श करता है, लेकिन समूह परामर्श में बोधक उपबोधियों की बड़ी संख्या को एक साथ परामर्श प्रदान करता है। तो परामर्श का व्यक्तिगत परामर्श में व्यक्ति एक आमने सामने बैठकर जैसे साक्षात्कार हो, तो वो परामर्शकर्ता के सामने बैठकर अपनी समस्याओं को रखता है और उस पर उनसे सुझाव लेता है। लेकिन वहीं समूह परामर्श में वो एक बड़ी संख्या में लोग होते हैं और फिर उनको एक साथ ही काउंसलर जो है उनको परामर्श प्रदान करते हैं। वहीं व्यक्तिगत परामर्श में उपबोध सिर्फ सहायता प्राप्ति करता है। जबकि समूह परामर्श में उपबोध दूसरों को भी सहायता प्रदान करता है। तो व्यक्तिगत परामर्श में एक आमने सामने बैठकर व्यक्ति प्रशिक्षित व्यक्ति के साथ अपनी समस्याओं को चर्चा करता है और उन समस्याओं पे सुझाव लेता है, अपने लिए हेल्प लेता है और स्वयं को डेवलप करने का प्रयास करता है। लेकिन जब वो समूह में होता है तो वो अगर बहुत सारे लोगों को एक साथ गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है तो वहाँ वो स्वयं के साथ साथ दूसरों की भी सहायता करता है। जैसे कि सेमिनार चल रहा हो तो वहाँ अगर डिस्कशन चल रहा है तो उस पर कुछ डाउट होने से अगर एक व्यक्ति अपनी बात को रखता है जो कि सेमिनार के प्रवक्ता के सामने, तो वो उस समूह में हो सकता है कि वो प्रश्न दो चार अन्य व्यक्तियों के मन में भी उठ रहे हों। तो एक एक व्यक्ति के प्रश्न करने से क्वेश्चन करने से जब उसका आंसर प्रवक्ता देते हैं तो फिर वो जो सेमिनार में और जो दूसरे लोग बैठे हैं जिनके मन में वो प्रश्न उठ रहा था तो उनको भी उस प्रश्न का आंसर मिल जाता है। तो ये एक सवाल एक व्यक्ति के को प्रश्न करने से ही बहुत सारे व्यक्तियों के प्रश्नों का आंसर मिल जाता है। तो वो स्वयं की सहायता के साथ साथ दूसरों का भी सहायता कर लेते हैं। जबकि ये प्रक्रिया व्यक्तिगत परामर्श में नहीं संभव है। वहीं थर्ड देखते हैं कि समूह परामर्श में समूह गतिकी के सिद्धांत के काफ़ी अनुप्रयोग शामिल होते हैं, जबकि व्यक्तिगत परामर्श में उपबोधक और उपबोध्य का आपसी संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत परामर्श में अधिक संवेदनशील निजी व गोपनीय समस्याओं को रखा जाता है, जबकि समूह में प्रकृति में कम संवेदनशील व सामाजिक रूप से स्वीकृत योग्य समस्याओं को रखा जाता है। तो व्यक्तिगत परामर्श व्यक्ति को तब अपने पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई बातों को भी रखता है,
उसमें चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो मानसिक रोग के डॉक्टर हो, या फिर किन्हीं अन्य समस्याओं से जुड़ी हुई। लेकिन कुछ उनके साथ अगर कुछ ऐसे समस्या को भी लोग परामर्श लेना समझते हैं जो कि वो किसी को बता नहीं सकते हैं, तो उसमें परामर्शकर्ता के लिए भी ज़रूरी होता है कि वो उन समस्याओं को गोपनीय रखें, किसी को उसके बारे में शेयर नहीं करें, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन समूह में ऐसा कम होता है कि व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई ऐसी समस्याओं को नहीं रख पाएगा, जिससे वो भविष्य में उसको समस्या हो सके, या फिर वो नहीं चाहता हो कि उसके बाद पर्सनल लाइफ को कोई जाने। अतः समूह में उन्हीं समस्याओं को रखा जाता है जो सामाजिक रूप से स्वीकृत हैं, जो कम संवेदनशील हों। तो इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत परामर्श व समूह परामर्श की अपने अपने लाभ और अपनी अपनी उनकी लिमिटेशन यानी सीमाएं भी हैं, और दोनों में कुछ सिमिलरिटीज हैं तो उनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं। यह कहना अत्यंत कठिन हो जाएगा कि दोनों में श्रेष्ठ क्या है, या फिर दोनों में से कौन आवश्यक ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि वास्तव में दोनों के अपने महत्व होते हैं, और कुछ परिस्थितियों में समूह परामर्श अधिक प्रभावशाली होता है, तो वहीं कुछ परिस्थितियों में व्यक्तिगत परामर्श अधिक प्रभावशाली होता है। और दोनों ही परामर्श का उद्देश्य यही होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से उनके समस्याओं को समाधान करना, उनके विकास के मार्ग को प्रशस्त करना। तो आज हम लोगों ने व्यक्तिगत और समूह निर्देशन पर उनके तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया, जिसमें उनकी समानताएं और विभिन्नताओं के विभिन्न पहलुओं पर डिस्कशन किया। नेक्स्ट हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।